आज की यह वीडियो मैथ से संबंधित है। आज का प्रश्न है आपके सामने, लॉग कॉस इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 के एग्जाम में यूपी बोर्ड सन 2002 में पूछा जा चुका है, तो चलिए इसको हल करते हैं। आपके एग्जाम में दोबारा दोहराया जा सकता है। चैनल पर नए आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही नॉलेज वीडियोस प्रतिदिन अपलोड करी जाती है। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मान लेते हैं हम माना वाई इज इक्वल टू लॉग कॉस इनवर्स एक्स। समीकरण एक बना देते हैं और समीकरण एक का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आएगा भाई, d बाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स लॉग कॉस इनवर्स एक्स का करेंगे, पहले लॉग फंक्शन का करेंगे फिर लॉग की वैल्यू का करेंगे, d बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स। d by dx इसको थोड़ी देर के लिए आप x मानिए, तो d by dx log x का मान क्या आता है 1 by x ना, और x का स्थान पर क्या है cos inverse x, ठीक, into d by dx cos inverse x का मान क्या होगा minus k 1 upon under root 1 minus x square। फार्मूला होता है आप यहाँ लिख सकते हैं d by dx cos inverse x is equal to minus 1 by under root 1 minus x square, ये फार्मूला होता है, ठीक। तो यहाँ पर ये हो गया, अब क्या होगा आपका जो आंसर आ जाएगा माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स एक्स, ये हो गया डिवाइड बाई डी एक्स का मान, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नया है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही नॉलेज वीडियो प्रतिदिन अपलोड करी जाती है। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिए।